नमस्कार, मैं हूं दर्शना मौर्य और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज की खास पेशकश जनता का माइक। हम खड़े हैं छप्पन पर और जानेंगे आखिर जनता क्या सोचती है। जैसे ही दुर्घटना शब्द सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में सड़क दुर्घटना आता है। शायद हमारा दिमाग भी ये जानता है कि सड़क दुर्घटना कितनी खतरनाक है और इससे सावधानी रखने की कितनी ज़रूरत है। हमारे साथ हैं लोग और इनसे पूछेंगे कि आखिर यातायात नियमों में क्या सुधार होना चाहिए। सबसे पहले तो जो रोड पे पानी भर जाता है वो मेन मुद्दा होना चाहिए इंदौर का, क्योंकि काफ़ी जगह अब देखा है मैंने बहुत सारे गड्ढे भरे पानी के और जो नाले हैं वो प्रॉपर तरीके से बहते नहीं हैं, तो उसको सबसे पहले सुधारना चाहिए। तो जैसे हम प्रशासन की बात करते हैं तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं कि उन्हें क्या सुधार करना चाहिए? ट्रैफिक की लाइट्स जो क्रॉस करके जाते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो सरकार रहती है वो चालान तो काट देती है लेकिन अपने तरफ से कोई सुविधा नहीं देती है, तो आपको ये कितना सही कितना गलत लगता है? ओके, तो मैम आपसे ये सवाल है कि हम सरकार को बोलते हैं कि उन्हें, आप उनसे क्या उम्मीद रखती है सरकार से? मैम एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारा इंदौर क्लीननेस में कितना आगे है, तो सरकार को ट्रैफिक रूल्स में भी हमें इनिशिएट करना चाहिए और एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि यहाँ नंबर वन बने इंदौर, भी रूल्स सारे फॉलो हों। उसमें उन लोगों को कुछ ऐसे इनिशिएट्स लेना चाहिए जिससे कि लोग मजबूर हों कि वो आगे से आके करें, कि हमें अपने तरफ से समझना चाहिए कि कितना ज़रूरी है। तो ये रही सरकार की बात, अब जैसे एक हो गया सरकार व्यवस्था करती है और आम जनता अपने स्तर पर कितनी लापरवाही बरत रही है? 100% एक्चुअली ये तो सोशल इशू है, तो हमें खुद समझना चाहिए कि जब हम ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो उससे हम अपनी ही नहीं आगे वाले की भी ज़िंदगी को परेशान करने के लिए या फिर दुर्घटना के लिए अपन कर देते हैं, तो थोड़ा उसमें हमें जागरूक होना चाहिए। तो जैसे कि मैम ने कहा कि एक सोशल इशू है, इसको सोशल लेवल पर डील करना पड़ेगा। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि एक इंडिकेटर देना, बैक लाइट सही होना, मिरर में देखना पीछे से कोई गाड़ी, ये सब कितना ज़रूरी है? ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से एक्सीडेंट वगैरह को हम रोक सकते हैं, अपनी ही नहीं जान सामने वाले की जान भी बचाना, या सामने वाला का ना सोच कर खुद का एटलीस्ट सोचना चाहिए कि हेलमेट वगैरह लगाना और फिर सीट बेल्ट पहनना, तो ये सब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लापरवाही से ही दुर्घटना होती है और आपको बता दें कि 2011 से इंदौर नंबर वन है रोड एक्सीडेंट्स में। जैसे कि हम स्वच्छता में नंबर वन है उसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं लेकिन इस पे हमें दुख होता है। हाँ, मैं भी देखता हूँ काफ़ी सारी बाइक्स में दोनों कांच ही नहीं होते, मिरर ही नहीं होते और चला रहे हैं रॉन्ग साइड पर भी बहुत स्पीड में, तो उस चीज़ को हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आज के लिए इतना ही जनता के माइक के, देखते रहिए एमपी न्यूज़, मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। धन्यवाद।